दोस्तों, हिंदू धर्म में चावल को सबसे पवित्र अनाज माना गया है और यही वजह है कि पूजा यज्ञ आदि अनुष्ठान में चावल का प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि बिना चावल का प्रयोग किए की गई पूजा असफल होती है। वहीं किसी भी शुभ कार्य को करते हुए माथे पर रोली के साथ चावल का तिलक लगाया जाता है। ऐसा करने से कार्य सफल होता है। दोस्तों, आज हम आपको चावल के कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से धन से जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त सुनील, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल एसके अमेजिंग वर्ल्ड में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। भोलेनाथ को करें अर्पित। जी हाँ दोस्तों, महज थोड़े से चावल की मदद से जीवन की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। चावल को शिवलिंग पर अर्पित करने से हर कामना पूर्ण हो जाती है। प्रति सोमवार शिवलिंग का पूजन करते समय करीब आधा किलो चावल का ढेर लगा दे, फिर शिवलिंग का विधिवत पूजन करें। पूजा पूर्ण होने के बाद चावल के ढेर से एक मुट्ठी चावल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद बचे हुए चावल को मंदिर में दान कर दे। कम से कम 5 सोमवार ये उपाय करें। ये उपाय करने से धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी और हर मनोकामना शिवजी पूर्ण कर देंगे। लक्ष्मी माँ को चढ़ाएं। दोस्तों, चावल में हल्दी मिला दें, फिर लाल कपड़े में 21 अखंडित दाने रख दें। कपड़े को बांध लें। अब माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक चौकी बनाएं, उस पर माँ की मूर्ति रखें और साथ में ही ये लाल कपड़ा भी वहां रख दें। इसके बाद नियम पूर्वक पूजा करें। पूजन होने के बाद ये लाल कपड़े को अपने पर्स या तिजोरी में रख दें। ये उपाय करते ही धन संबंधी मामलों में आ रही रुकावट दूर हो जाएगी और धन का लाभ होगा। तिलक लगाएं। दोस्तों, जब भी किसी धन से जुड़े कार्य के लिए घर से बाहर जाएं तो माथे पर चावल का तिलक लगा दें। ये तिलक लगाने से कार्य में सफलता मिलेगी और धन लाभ होगा। तिलक के अलावा आप चाहें तो जेब में चावल के कुछ दाने भी रख सकते हैं। शत्रु से बचें। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करने से शत्रु से आपकी रक्षा होगी। उपाय के तहत आप बस साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने ले लें। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें, फिर एक जगह पर गड्ढा कर इन्हें दबा दें। इसके ऊपर नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लें। ये उपाय करते ही शत्रु से निजात मिल जाएगी। हवन करें। दोस्तों, गरीबी को दूर करने के लिए हवन करते समय उसमें चावल का प्रयोग जरूर करें। ऐसा करने से गरीबी दूर भाग जाती है। उपाय के तहत आप चावल को तिल और दूध के साथ मिलाकर माता का हवन कर लें। अच्छे वर के लिए। दोस्तों, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन इस उपाय को करें। आप चांदी की छोटी कटोरी में गाय का दूध लेकर उसमें शक्कर और उबले हुए चावल मिला दें, फिर इसमें एक तुलसी का पत्ता डाल दें। अब चंद्र उदय के समय चंद्रमा को ये अर्पित करें। ये उपाय 45 दिनों तक करें। 45 दिन पूर्ण होने पर कन्या को भोजन करवा दें। इस उपाय को करने से विवाह जल्द हो जाएगा और अच्छा वर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे चावल से जुड़े कुछ उपाय जिन्हें आप जरूर करके देखें। और अगर आपके पास भी कोई उपाय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त सुनील लेता हूँ आपसे इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।